वेलकम टू दीपस किचन। आज हम दीपस किचन में बनाएंगे पार्ले जी बिस्किट से एक स्वीट स्विस रोल बनाएंगे। उसके लिए पार्ले जी का एक पैकेट थोड़ा क्रश कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। ऐसे पाउडर का चूरा कर लिया है, अब मिक्सी में डालकर पाउडर कर लेंगे। पाउडर कर लेंगे, अभी पाउडर हमने छान लिया है। ये मोटा चूरा बच गया है, ये पाउडर निकल आया है। स्विस रोल बनाने के लिए एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट का पाउडर बना लिया है। उसके लिए कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, शुगर और हर्शीज का चॉकलेट फ्लेवर सिरप, इतने साहित्य चाहिए। पाउडर बिस्किट में कोको पाउडर 2 चम्मच डालेंगे। वन फोर्थ कप पाउडर शुगर डालेंगे। और चॉकलेट सिरप 3 चम्मच डालेंगे। और मिक्स करेंगे। दो चम्मच दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये सख्त आटा गूंथ लिया है और इसका गोला बना लिया है। ये बटर पेपर तैयार कर लिया है। पेपर को घी लगाकर बटर पेपर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और बेल लेंगे ये। ऐसा चौकोर शेप में बेल लिया है। पैन गरम हो चुका है। अब व्हाइट पेस्ट बनाने के लिए पैन गरम करके रखा है। 2 चम्मच घी डालेंगे। दूध गरम किया हुआ दूध डालेंगे और गरम होने देंगे। दूध उबल रहा है, 2 चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे। और मिक्स करेंगे। और 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे और गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये गाढ़ा कर लेना है ऐसे 5 मिनट तक और चलाना है। ऐसा गाढ़ा कर लिया है। अब ये मिश्रण चॉकलेट फ्लेवर के मिश्रण के ऊपर लगाएंगे और फैलाएंगे। ऐसे फैला ले रहे, पूरा फैला लेना है। फैला लिया है, इसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे और पूरा फैला लेंगे।
पेपर निकाल के ऐसा पूरा फैला लिया है। ऐसा रोल बनाते हुए, गोल गोल करते हुए रोल बना लेंगे। ये जॉइंट कर लेंगे। ऐसा रोल बना के फ्रिज में आधा से एक घंटा सेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। कर लिया है। साइड के थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। ऐसे पूरे कट कर लेंगे। ये पूरे पीसेस हमने कट कर लिए हैं। स्विस रोल बन के तैयार है। ये चॉकलेट सिरप का आटा बनाने के लिए, लिक्विड डक बनाने के लिए, बनाते समय अगर डो अगर पतला हो गया तो एक पतले जी बिस्किट एक्स्ट्रा अपने पास रख लेना और पाउडर उसमें मिक्स कर लेना, गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये याद रखना। ये रेसिपी आपको कैसे लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।